लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 से रिहा कर दिया गया। सीएम गेट 4 से जेल से बाहर निकले केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक भी थे। केजरीवाल जेल से सीधे अपने घर के लिए निकले। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत का आदेश तिहाड़ जेल पहुंच गया। इसके बाद जेल की रिहाई से जुड़ी कागजी कार्रवाई शुरू हुई और केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलते ही आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में खूब जोश दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूलों से किया। केजरीवाल जेल से बाहर निकलने के बाद क्या कुछ कहा वो राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, दिल्ली का चुनाव होना बाकी है, अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना ये चुनावी रणनीति को, राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर देश की जो तानाशाह सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही का अंत हम लोग करेंगे। केजरीवाल जी ने आज आह्वान किया है देश की 145 करोड़ जनता से कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दें। तन मन धन से लगातार अरविंद केजरीवाल जी इस तानाशाही का अंत करने के लिए, हिटलर शाही का अंत करने के लिए, मोदी शाही का अंत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।